हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू वैशालीस ई लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम दी सब्जेक्ट डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स सो ये फर्स्ट वीडियो है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एंड ए के टी यू सिलेबस के यूनिट वन के जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड द टाइटल फॉर द यूनिट वन अकॉर्डिंग टू ए के टी यू सिलेबस इज इंट्रोडक्शन टू डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। सो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके क्वेश्चंस हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवरअप करेंगे सो बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू डिस्कस कि क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके यूनिट वन में सो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्कस एंड डेटा कम्युनिकेशन में पहला टॉपिक आता है गोल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्कस का देन द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स लेअर्ड टास्क ओ एस आई रेफरेंस मॉडल टी सी पी आई पी एड्रेसिंग एंड लाइन कोडिंग रिव्यू सो ये पर्टिकुलर वीडियो ये सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चन होंगे उस उससे रिलेटेड होगी और आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो उनका डोमेन इसी पे रेस्ट्रिक्टेड रहेगा सो बिफोर स्टार्टेड स्टार्टिंग प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन फर्स्ट यू शुड स्टडी द टॉपिक्स ठीक है पहले आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके बाद में यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन ठीक है ताकि आपको अच्छे से पता लग पाए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो चुकी है ठीक है सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फिजिकल लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो फिजिकल लेयर को पढ़ते ही आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो क्वेश्चन है ये ओ एस आई मॉडल का है ठीक है ओ एस आई मॉडल में जो बॉटम मोस्ट लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है और उसका क्या टास्क होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बिट बाय बिट डिलीवरी सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी बिट बाय बिट डिलीवरी और अगर आपने ओ मॉडल अच्छे से पढ़ा हुआ है उसकी जो सेवन लेयर्स होती हैं उसके फंक्शंस आपको अच्छे से पता हैं तो यू विल बी एबल टू आंसर कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कौन से लेयर का काम होता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी कौन से लेयर का काम होता है और पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी कौन से लेयर का काम होता है सो दैट इज द रीजन कि आप अगर टॉपिक आपको आपने पढ़ा होगा तो आप इन क्वेश्चन को और ज्यादा अच्छे से यू विल बी एबल टू गिव द करेक्ट आंसर्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन अलाउस सो फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन का मतलब है कि आई एम हैविंग टू आई एम हैविंग अ सेंडर और मेरे पास एक रिसीवर है अब दोनों के बीच में डेटा कम्युनिकेशन मुझे करवाना है तो अगर मैंने फुल डुप्लेक्स मोड यूज़ किया है तो आप ए से बी भी डेटा सेंड कर सकते हो और बी से ए भी डेटा सेंड कर सकते हो तो आप एक ही टाइम पर दोनों डायरेक्शन में डेटा सेंड कर सकते हो आपने अपने सिस्टम में वो प्रोविजन किया हुआ है फुल डुप्लेक्स मोड में डेटा कैन फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन साइमेंटेनियसली नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रैफिक ऑन वन वे स्ट्रीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन वे स्ट्रीट से क्या मतलब है मेरा वन वे स्ट्रीट से मेरा मतलब यह है कि अगर एक नोड ए है और एक डेस्टिनेशन uh, बी है तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका ट्रैफिक फ्लो कर सकता है वन वे स्ट्रीट का मतलब है कि आपका जो ट्रैफिक है सपोज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो इसी डायरेक्शन में फ्लो करने को हमने उसे अलाउ किया हुआ है ठीक है सो दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज बिलोंगिंग टू सिंपलेक्स मोड जिसमें आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो करवा सकते हो आप रिवर्स डायरेक्शन में डेटा फ्लो अलाउड नहीं होता है ठीक है सो ट्रैफिक ऑन ए वन वे स्ट्रीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स मोड जहां पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रेफर्स टू द फिजिकल स्लैश लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क सो सबसे पहले नेटवर्क कब बनता है जब हम बहुत सारे नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो आई एम नॉट से कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं आई एम यूजिंग द वर्ड नोड्स नोड्स का मतलब है कंप्यूटर्स के अलावा और भी डिवाइस हो सकती हैं जो आपके नेटवर्क में कनेक्टेड होंगी तो so, अगर सपोज मेरे पास पाँच नोड्स हैं और मैंने इनको किसी तरीके से कनेक्ट किया हुआ है कोई वायर से मैंने इनको कनेक्ट किया हुआ है ठीक है तो फिज़िकली मैंने इनको किस तरीके से अरेंज किया हुआ ये wires है, है ये जो वायर्स हैं मैंने कैसे कनेक्शन बनाए हैं ये सभी नोड्स के बीच में दैट इज़ गोइंग टू रेफर टू द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क जैसे कि ये पांच जो नोड्स हैं इनको मैंने एक रिंग की फॉर्म में कनेक्ट किया हुआ है वायर की हेल्प से तो ये रिंग टोपोलॉजी का एग्जाम्पल होगा तो आपका जो फिजिकल अरेंजमेंट होता है नेटवर्क में दैट इज़ टर्म्ब एज़ टोपोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग प्लांट और कैंपस और बिटवीन नियर बाय बिल्डिंग्स सो नेटवर्क्स जो होते हैं आप जोग्राफिकली कितना एरिया कवर कर रहे हो उसके बेसिस पे वी कैन कैटेगराइज द नेटवर्क्स ठीक है और उसका ही एक एग्जाम्पल है लोकल एरिया नेटवर्क सो आप इस वर्ड से ही समझ पाओगे कि लोकल का मतलब है उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड वो एक स्मॉल ज्योग्रफिकल एरिया में रहेगा तो अगर कोई नेटवर्क सिर्फ एक बिल्डिंग में है या कुछ ही बिल्डिंग्स के बीच में है तो वो होगा एक लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द डेटा कम्युनिकेशन तो जब आपको कम्युनिकेशन करवाना है इफ़ यू वॉन्ट टू सेंड डेटा बिटवीन डिफरेंट नोट्स तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं ताकि आपके डेटा कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए ठीक है कुछ भी गड़बड़ी ना हो कहीं एरर करेक्शन करनी है या कोई भी और एस्पेक्ट्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए आपको एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना जरूरी है सो दैट यू आर एबल टू कंप्लीट द टास्क प्रॉपरली ठीक है और उस सेट ऑफ रूल्स को हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं सो अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द डेटा कम्युनिकेशन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द कम्युनिकेशन मोड दैट सपोर्ट्स टू वे ट्रैफिक बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम So, अभी तक हम लोगों ने सिंपलेक्स मोड का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जिसमें एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा एक क्वेश्चन फुल डुप्लेक्स मोड का था जिसमें डेटा जो है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है आप कभी भी देखोगे तो आप ए से बी भी डेटा भेज सकते हो और बी से ए भी एक और मोड होता है कम्युनिकेशन का दैट इज हाफ डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या है डुप्लेक्स मतलब कि मैंने ए से बी और बी से ए डेटा फ्लो कर सकता है ठीक है दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर सकता है ये हाफ वर्ड यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है कि अगर मैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा को ऑब्जर्व करूंगी तो या तो वो ए से बी जा रहा होगा या वो बी से ए जाएगा सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट द डेटा विल बी फ्लोइंग ओनली इन वन डायरेक्शन ठीक है तो ये तीनों मोड्स होते हैं कम्युनिकेशन के सिम्प्लेक्स फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर सकता है बट एट वन डायरेक्ट वन टाइम इट इज़ गोइंग टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन सो आंसर फॉर दिस विल बी हाफ डुप्लेक्स मोड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर अगेन ये क्वेश्चन ओ एस आई मॉडल का है ठीक है ओ एस आई मॉडल में जो सेवन लेयर होती हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है ठीक है एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करके हम फिजिकल लेयर तक जाते हैं तो वो उनका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस ऑर्डर में होती हैं और हरेक लेयर का क्या फंक्शन होता है क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक लेयर की ठीक है तो नेटवर्क लेयर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है राउटिंग के लिए इंटरनेटवर्किंग के लिए कंजेशन कंट्रोल के लिए एरर कंट्रोल का जो काम होता है दैट इज डन बाय द डेटा लिंक लेयर ठीक है सो एरर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा एरर कंट्रोल नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्ट लेयर डील्स विद अगेन ये क्वेश्चन ओएसआई रेफरेंस मॉडल से है सो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करवाना ठीक है तो अगर आपके पास एक होस्ट है ठीक है अ प्रोसेस इज रनिंग ऑन दिस होस्ट एंड आपके पास एक रिसीवर है और रिसीवर पे एक प्रोसेस रन कर रहा है तो इस प्रोसेस नंबर वन से इस प्रोसेस नंबर टू पे अगर आपको डेटा भेजना है तो वो काम किसका होगा दैट विल बी हैंडल्ड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर नेक्स्ट क्वेश्चन

उसी से क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं तो अगर आपको ऑर्डर याद नहीं होगा तो आप हर एक लेयर के रोल्स में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और इस टाइप के क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ हो जाओगे तो इस क्वेश्चन में द डेटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट फ्रॉम तो डेटा लिंक लेयर अपनी प्रीवियस लेयर से डेटा पैकेट्स को लेगा तो डेटा लिंक लेयर से पहले वाली लेयर कौन सी होती है नेटवर्क लेयर और अगर मुझे ये ऑर्डर नहीं पता होगा तो मैं उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाऊंगी ठीक है सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर प्रीवियस वाली लेयर जो है नेटवर्क लेयर से डेटा पैकेट्स को लेके इट इज गोइंग टू इनकेट फ्रेम्स फॉर ट्रांसमिशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई अ प्रोसेस ऑन अ होस्ट बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर सो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उस क्वेश्चन में हमने पूछा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ठीक है तो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर होती है रिस्पॉन्सिबल और उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो एक प्रोसेस जो होता है जैसे सपोज ये प्रोसेस वन रन कर रहा है तो मैंने इस प्रोसेस को एक नंबर असाइन कर दिया है ठीक है और होस्ट होस्ट पे एक प्रोसेस होगा और रिसीवर पे भी एक प्रोसेस होगा तो आई हैव असाइन नंबर्स टू द प्रोसेस एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज आइडेंटिफाइड बाई द पोर्ट एड्रेस ये पोर्ट एड्रेस जो होता है दैट इज ऑफ सिक्सटीन बिट्स और राइट सो पोर्ट एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई अ प्रोसेस ऑन होस्ट बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर नेक्स्ट क्वेश्चन विच एड्रेस इज यूज ऑन द इंटरनेट फॉर इम्प्लॉइंग द टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल्स टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने टाइप के एड्रेसेज यूज करने होते हैं हमें ठीक है अब इसमें जितने भी इस पर्टिकुलर यूनिट में एक टॉपिक है जो है एड्रेसिंग तो उसमें आपको टाइप्स ऑफ एड्रेसेस पढ़ने होते हैं कितने टाइप के एड्रेसेस होते हैं ठीक है क्या सिग्निफिकेंस है उन एड्रेसेस की राइट सो टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको फिजिकल एड्रेस लॉजिकल एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी पोर्ट एड्रेस भी आप यूज करोगे और स्पेसिफिक एड्रेस भी आप यूज करोगे ठीक है सो ये जितने भी टाइप के एड्रेसेस हैं ऑल ऑफ दीज विल बी यूज टू इंप्लीमेंट द टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच लाइन एंड कोडिंग स्कीम लॉजिक वन इज रिप्रेजेंटेड बाई इक्वल एम्पलीट्यूड ऑल्टरनेटिंग पलसेज ठीक है लास्ट टॉपिक है यूनिट वन का लाइन कोडिंग तो उसमें आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन uh, का आंसर मिल जाएगा इसका आंसर है रिटर्न टू जीरो ए एम आई ए एम आई स्टैंड फॉर ऑल्टरनेट मार्क इनवर्जन ऑल राइट सो इफ यू हैव स्टडीड द लाइन कोडिंग ए एम आई में हम क्या करते हैं कि सपोज मेरी डेटा स्ट्रीम है वन जीरो वन वन ऑल राइट अगर मैं इस वन को एक पॉजिटिव फल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ जीरो को किसी भी पल्स से रिप्रेजेंट नहीं करना विदाउट पल्स अगला वन जो है वो मैं नेगेटिव पल्स से रिप्रेजेंट करूंगी फिर से अगला वन एक पॉजिटिव पल्स से रिप्रेजेंट होगा तो हम क्या कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग पल्स से अपने लॉजिक वन जो है उसको ऑल्टरनेटिंग पल्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो so इसका आंसर होगा आरजेड ए एम आई दैट इज ऑल्टरनेट मार्क इनवर्जन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच लाइन कोडिंग स्कीम लॉजिक वन इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ बिट वाइड पल्स एंड लॉजिक जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाई एबसेंस ऑफ पल्स सो हाफ बिट वाइट पल्स का मतलब है कि अगर मेरी एक बिट सपोज बिट वन है या जीरो है जो भी बिट है अगर वो टी बी टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है ठीक है इफ इट इज़ एग्जिस्टिंग फॉर टी बी टाइम तो मेरी जो पल्स होगी वो सिर्फ टी बी बाई टू तक ही एग्जिस्ट करेगी तो मुझे लाइन एंड कोडिंग में ये पता होना चाहिए कि कौन सी पल्स और कौन सी लाइन एंड कोडिंग में पल्स जो है वो हाफ ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करती है ठीक है सो यूनिपोलर आर जेड रिटर्न टू जीरो का मतलब है कि आपकी टी बी बाई टू पे द पल्स इज गोइंग टू रिटर्न टू जीरो ठीक है अगर मैं वन को रिप्रेजेंट करूंगी तो पल्स जो है वो टी बी बाई टू पे इट इज गोइंग टू रिटर्न टू जीरो तो दिस पर्टिकुलर लाइन कोडिंग स्कीम यूनिपोलर आर जेड यूनिपोलर मीन्स इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट ओनली ऑन वन साइड ऑफ द एक्सेस सो इस पर्टिकुलर डायग्राम में यू कैन सी दिस इज एग्जिस्टिंग ओनली ऑन द पॉजिटिव साइड ठीक है ये यहीं पे एग्जिस्ट करेगी तो लॉजिक वन को आप एक पॉजिटिव पल से रिप्रेजेंट करोगे जो कि टीबी बाई टू पे क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी ठीक है सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यूनिपोलर आरजेड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक टीसीपीआईपी मॉडल सो टी सी मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं फाइव लेयर्स आर देयर ऑल राइट टी सी बी आई पी में पाँच लेयर होती हैं और ओ एस आई मॉडल में कितनी होती हैं सेवन लेयर्स होती हैं तो ओ एस आई मॉडल में जो ऊपर की तीन लेयर्स होती हैं एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर उन तीनों का जो टास्क है वो एक ही लेयर को एक तरीके से असाइन कर दिया जाता है जो कि एप्लीकेशन लेयर सो नंबर ऑफ लेयर्स इन टी सी बी आई पी मॉडल इज रिड्यूस्ड टू फाइव और ओ एस आई मॉडल में होती हैं हमारे पास सेवन लेयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज एन एडिशन टू ओ एस आई मॉडल वेन कंपेयर्ड विद द टी सी पी आई पी मॉडल सो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इसका आंसर डिस्कस कर लिया था वैसे तो ओ एस आई मॉडल में आपके पास सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है एप्लीकेशन लेअर ऑल राइट उसके बाद आपके पास आती है प्रेजेंटेशन लेयर और फिर तीसरी लेयर होती है सेशन लेयर इन तीनों को कम्बाइन करके हम एक ही लेयर में स्टडी करते हैं जो कि होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर ठीक है तो ओ एस आई मॉडल में क्या होगा एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर तीनों अलग अलग काम कर रही होंगी और टी सी पी आई पी में क्या कर दिया जा रहा है प्रेजेंटेशन और सेशन का काम भी एप्लीकेशन लेयर में ही हम हैंडल करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ लेयर्स जो हो गई वो दो कम हो जाती हैं इसीलिए टी सी पी आई पी मॉडल में वी सॉ दैट फाइव लेयर्स आर देयर एंड इन ओ एस आई मॉडल देयर आर सेवन लेयर्स सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन In the OSI model, as the data packets moves from the lower to the upper layers, headers are so lower layer se mera matlab hai that I am talking about the physical layer, theek hai और upper layer means the top most uh, top most layer that is the application layer, theek hai So physical layer से application layer पे move करते समय आपके बीच में और भी layers आएंगी जैसे physical के बाद आपको data link layer भी मिलेगी, ठीक है? But मैं bottom most और top most layer की बात कर लेती हूँ यहाँ पे, so physical layer से जब आपका डेटा एप्लीकेशन लेयर पे जाएगा आपने डेटा रिसीव किया है उसमें बहुत सारे एड, जो हैडर्स हैं ऑलरेडी एडेड हैं अब आपको उसमें से आपका जो रॉ डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको हैडर्स को रिमूव करना पड़ेगा ठीक है तो जब आपका डेटा पैकेट लोअर लेयर से अपर लेयर पर जाएगा तो आप हेडर्स को रिमूव करोगे ठीक है अगर ये प्रोसेस रिवर्स होता जब आप अपर लेयर से लोअर लेयर पे आओगे तो क्या करना होगा मुझे एप्लीकेशन लेयर से जो डेटा जनरेट हुआ है अगर वो लोअर लेयर पे लाना है मुझे तो मुझे उसमें हेडर्स ऐड करने पड़ेंगे ठीक है सो इफ़ द क्वेश्चन इज रिवर्स्ड दैट मीन्स इन द ओ एस आई मॉडल एज अ डेटा पैकेट मूव फ्रॉम अपर टू द लोअर लेयर हेडर्स आर एडेड क्योंकि वहां पे हर एक लेयर का कुछ ना कुछ टास्क है तो उसको कंप्लीट करने के लिए वो उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा वो अपना अपना हेडर वहां पे ऐड करेगा तो जब आप डेटा लिंक लेयर पे आओगे तो आपका डेटा जो है वो आप पहचान नहीं पाओगे कि रॉ डेटा एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर्ड है ऑल राइट रिसीवर so पे आपको इसको वापस अनरैप करना पड़ेगा तो जब आप लोअर लेयर से अपर लेयर पे मूव करोगे आप हेडर्स को रिमूव करोगे ठीक है और जब आप अपर लेयर से लोअर लेयर पे मूव करोगे तो आप हेडर्स को क्या करोगे ऐड करोगे सो so इस क्वेश्चन को हम रिवर्स चेंज भी कर सकते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन ओ एस आई स्टैंड फॉर सो आपको ओएसआई मॉडल पूरा अच्छे से पढ़ना है तो ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ही डेफिनेटली आंसर कर पाओगे जब आप पूरा ओ एस आई मॉडल पढ़ चुके हो तो ओ एस आई मॉडल आपने पढ़ लिया है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए वॉट इज दिस ओ एस आई इसका फुल फॉर्म क्या है तो ओएस आई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन सो कई बार हम पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं एंड वी आर नॉट कंसर्न अबाउट कि एग्जैक्टली टॉपिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं होती है सो दैट इज़ वाई मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिया है नेक्स्ट ट्रांसमिशन डेटा रेट इज़ डिसाइडेड बाय सो ट्रांसमिशन डेटा रेट जो है वो फिजिकल लेयर डिसाइड करता है ठीक है सो अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ओ एस आई मॉडल तो यूनिट वन में जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाले हैं और ओ एस आई मॉडल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वन का तो so, उसकी सभी लेयर्स के सारे फंक्शन आपको पता होने चाहिए सभी लेयर्स जो हैं उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेम किए जा सकते हैं ठीक है थीके? सो ट्रांसमिशन रेट जो होती है वो फिजिकल लेयर डिसाइड करता है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ की बोर्ड इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ये देखना है कि डेटा वन वे फ्लो कर सकता है या बोथ वे फ्लो कर सकता है ठीक है सो अगर कंप्यूटर और कीबोर्ड की मैं बात करूं तो आई एम गिविंग इनपुट कीबोर्ड पे मैं कोई की प्रेस करती हूं और मैं अपने सिस्टम को इनपुट दे रही हूं ठीक है सो दिस पर्टिकुलर इज़ एग्जाम्पल ऑफ सिम्प्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन जहाँ पे डेटा जो है सिर्फ आप इनपुट डिवाइस है वो तो आप सिर्फ डेटा एंटर इनपुट दे सकते हो सिस्टम को ठीक है रिवर्स डायरेक्शन में डेटा फ्लो अलाउड नहीं है तो जब भी कोई ऐसा एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया जाएगा और मोड ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाएगा तो यू हैव टू एनालाइज कि उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में डेटा वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है सो so, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एड्रेस इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस ओवर द इंटरनेट ठीक है सो इंटरनेट पे किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए वी यूज लॉजिकल एड्रेस एंड कोई भी दो डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं दे के नॉट हैव द सेम लॉजिकल एड्रेस क्योंकि हमें हर एक डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है सपोज मेरे पास एक नोड ए है और एक नोड बी है अगर मैंने इसका एड्रेस ट्वेल्व लिखा है और बी का एड्रेस भी ट्वेल्व लिखा है ठीक है तो अगर सी को कोई डेटा पैकेट भेजना है तो सी अपना डेस्टिनेशन का एड्रेस ट्वेल्व लिखेगा ठीक है अब इस पर्टिकुलर केस में आई कैन ऑब्जर्व कि दो नोड्स हैं जिनका एड्रेस 12 है तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा देर इज अ रिडेंडेंसी यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि डेटा पैकेट ए को भेजना है या फिर बी को भेजना है ठीक है तो इसीलिए जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं दे शुड हैव अ यूनिक एड्रेस ताकि डेटा कम्युनिकेशन की प्रोसेस में कोई भी रिटेंडेंसी ना आए कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि, कि uh, कोई भी वहाँ पे ह्यूमन नहीं है कि वो अपने आप ही यू नो एनालाइज करेगा तो आप जो इन्फॉर्मेशन वहाँ फीड करोगे इट इज़ गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट तो ये एड्रेस यूनिक होना चाहिए ताकि वहाँ पर कोई रिटेंडेंसी नहीं आए सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोटोकॉल दैट इज नॉट यूज इन ट्रांसपोर्ट लेयर इज ठीक है ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए यू हैव प्रोटोकॉल्स जिसकी हेल्प से आप प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन अचीव कर सकते हो एस सी टी पी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट टी सी पी इज ऑल्सो प्रोटोकॉल यूज फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड यू डी पी इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन तो ये तीनों ही प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज किए जाते हैं सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी नन ऑफ दीज ठीक है Moving to the next question, if a node is acting as a sender node, data will be processed from. So आपका जो भी node है वो sender है या फिर receiver है उसी के basis पे you are going to identify कि data किस तरीके से process होगा अगर वो sender है तो that means it is going to generate the data. आपकी application layer पर data generate होगा और उसको receiver के पे भेजने के लिए आपको process करना पड़ेगा तो आपका जो data है वो एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक प्रोसेस होगा ये कब होगा जब आपका नोड सेंडर की तरह काम कर रहा है ठीक है और अगर वो रिसीवर की तरह काम करेगा तो क्या होगा उस केस में कि आपका रिसीवर फिजिकल लेयर पे डेटा को रिसीव करता है और फिर उसको प्रोसेस करके फाइनली एप्लीकेशन लेयर को प्रोवाइड करवाता है ठीक तो है तो अगर सेंडर है तो एप्लीकेशन लेयर से फिज़िकल लेयर तक जाएगा डेटा प्रोसेस होगा और अगर कोई भी नोड रिसीवर की तरह काम कर रहा है तो फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक वो डेटा जाएगा ठीक so है सो सेंडर नोड है या रिसीवर नोड है उसी के बेसिस पे यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि डेटा किस डायरेक्शन में प्रोसेस करना है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द फिजिकल लेयर विच वन इज नॉट एप्लीकेबल सो फिजिकल लेयर की अगर आपको पता है कि क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन फिजिकल लेयर कोऑर्डिनेट्स द फंक्शंस रिक्वायर्ड टू कैरी अ बिट स्ट्रीम ओवर अ फिजिकल मीडियम दिस इज करेक्ट ये फिजिकल लेयर का टास्क होता है इट डील्स विद मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन दिस इज ऑल्सो करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल लेयर फिजिकल लेयर डिफाइंज द प्रोसीजर्स एंड फंक्शन दैट फिजिकल डिवाइस एंड इंटरफेसिज हैव टू परफॉर्म अगेन ये भी फिजिकल लेयर का ही टास्क होता है फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन हॉप टू द नेक्स्ट सो इस पर्टिकुलर टास्क के लिए फिजिकल लेयर कोई भी काम नहीं कर रहा होता है ठीक है तो ये पर्टिकुलर टास्क फिजिकल लेयर का नहीं होता है मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन हर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेट एट टॉप सो सबसे इंटरनेट की जो हर ऑर्गेनाइजेशन होता है इन दैट वी कैन सी दैट सबसे जो टॉप पे होगा वो होगा आपका इंटरनेशनल आई एस पीस इंटरनेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ठीक है उसके बाद आपके पास आते हैं नेशनल आई एस पीस एंड नेशनल आई एस पीज के बाद आपके पास आता है रीजनल आई एस पीज तो इस तरीके से जो इंटरनेट की हरारगी है वो ऑर्गेनाइज होती है टॉप मोस्ट पोजिशन जो होती है दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाई इंटरनेशनल आई एस पीज मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन फोर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर सो सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें आपको यही पढ़ना होता है कि डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को अगर आपको एनालाइज करना है कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेटर है तो वो आप कौन से पैरामीटर के बेसिस पे एनालाइज करोगे सबसे पहला पैरामीटर होता है डिलीवरी कि आपका जो डेटा है वो करेक्ट रिसीवर के पास जाना चाहिए ठीक है दूसरा होता है एक्यूरेसी एक्यूरेसी का मतलब है सही डेटा जाना चाहिए टाइमलीनेस टाइमलीनेस का मतलब है कि करेक्ट टाइम पे पहुंचना चाहिए जिस टाइम पे डेटा को पहुंचना था वो उस टाइम पे अगर नहीं पहुंचा रिसीवर के पास तो देर इज नो पॉइंट इन दैट पर्टिकुलर डेटा देर इज नो पॉइंट इन रिसीविंग दैट नेक्स्ट इज जिटर तो जब आपका डेटा ट्रांसमिट होता है तो देर इज एन अनएक्सपेक्टेड डिले ठीक है देर इज अ डिफरेंट डीले बिटवीन द डेटा पैकेट दैट शुड ऑल्सो भी अवॉइडिड तो किसी भी डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को एनालाइज करने के चार पैरामीटर्स होते हैं डिलीवरी एक्ूरेसी टाइमलीनेस एंड जिटर सो सबसे पहला दिस इज फ्राम द टॉपिक वन ओनली जहाँ से हम डेटा कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इन कोडिंग हैव ट्रांजेक्शन एट द मिडल ऑफ इच बिट इच बिट डन ठीक है तो बिट ड्यूरेशन मतलब एक बिट आपकी कितनी देर के लिए एग्जिस्ट करती है सपोज अगर मैं बिट वन को रिप्रेजेंट करूंगी तो मैं इसे एक पल्स रिप्रेजेंट करूंगी सपोज वो वन नैनो सेकंड के लिए एग्जिस्ट करती है पल्स ठीक है तो यहाँ पे बिट ड्यूरेशन क्या हो गई वन नैनो सेकेंड तो बिट ड्यूरेशन का मतलब है कि आपकी एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पल्स को कितनी देर रखना पड़ेगा और राइट सो टीबी बाय टू मीन्स कि हाफ बिट ड्यूरेशन कब होगी तो इन Uh, ये जो लाइन एंड कोडिंग स्कीम्स हैं इनमें से कौन सी लाइन एंड कोडिंग स्कीम्स में आप मिडिल में ट्रांजिशन करते हो मैनचेस्टर में दर इज़ अ मिडिल ट्रांजिशन इन द मिडिल ठीक है वो कंपलसरी होता है डिफरेंशियल मैनचेस्टर इसी का मॉडिफिकेशन है तो डिफरेंशियल मैनचेस्टर में भी यू नीड टू मेक अ ट्रांजिशन एट द मिडिल ऑफ द बिट ड्यूरेशन ठीक है सो डिफरेंशियल मैनचेस्टर में भी ट्रांजिशन होगा मिडिल ऑफ द बिट ड्यूरेशन में रिटर्न टू ज़ीरो अगेन रिटर्न टू जीरो में क्या होता है पल्स आपकी टी बी बाई टू पे जीरो लेवल पे रिटर्न करती है तो इस पर्टिकुलर लाइन कोडिंग में भी देर इज अ ट्रांजक्शन एट द मिडल ऑफ बिट ड्यूरेशन सो आंसर फॉर दिस विल बी ये तीनों ही लाइन एंड कोडिंग स्कीम में आपको मिडिल ऑफ ईच बिट ड्यूरेशन पे ट्रांजेक्शन करना होता है ठीक है तो रिटर्न टू जीरो में पल्स वन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से पल्स जीरो पे कोई भी पल्स नहीं होती वन में क्या होगा इट इज गोइंग टू रिटर्न टू जीरो ऐट द हाफ बिट ड्यूरेशन

द कॉम्पोनेंट दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन जनरल डेटा कम्युनिकेशन मॉडल इज सो ऑल दो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन बट आई हैव इंक्लूडेड जस्ट टू यू नो कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं आनी चाहिए आपके आंसर में तो जनरल डेटा कम्युनिकेशन का जो मॉडल होता है उसमें यू हैव अ सेंडर यू हैव अ रिसीवर एंड अ ट्रांसमिशन मीडियम ठीक है ट्रांसड्यूसर के नाम से कोई भी एलिमेंट आप ड्रॉ नहीं करते हो जनरल डेटा कम्युनिकेशन मॉडल में ठीक है सो आंसर फॉर दिस विल भी ट्रांसड्यूसर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन

कार्पलेक्स करके कोई भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल नहीं है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेडिशनल लैंड रन ओवर अ स्पीड ऑफ अप टू सो ट्रेडिशनल लैंड जो होते हैं दे आर रनिंग ओवर अ स्पीड अप टू वन एम बी पी एस ऑल दो इसमें और भी मॉडिफिकेशन हुए हैं यू नो कि लैन की स्पीड और ज्यादा इम्प्रूव कर दी गई है फॉर द बट फॉर दिस पर्टिकुलर इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू चूज द स्पीड ऑफ वन एम बी पी एस Moving to the next question, OSI model is a layered framework which consists of. So previous questions में हमने OSI model के बारे में डिस्कस किया है, तो मैंने कई बार बताया है कि seven layers होती हैं OSI model में, ठीक है? So answer for this would be seven layers. Moving to the next question, physical layer is responsible for the task which do not include. ठीक है तो हर एक layer का जो भी task है वो आपको पढ़ना है ताकि इस तरीके के क्वेश्चन को आप एड्रेस कर पाओ। क्या उसके टास्क हैं तो अगर आपको ये नहीं पता होगा सारे टास्क नहीं पता होंगे तो यू मे आंसर दिस क्वेश्चन रॉन्ग ठीक है सो फिजिकल लेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द डेटा रेट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंक्रनाइजेशन ऑफ बिट्स सो फ्रेमिंग का जो काम होता है दैट इज डन बाय द डेटा लिंक लेयर ठीक है सो आंसर फॉर दिस वुड बी फ्रेमिंग मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू अदर सो फिजिकल लेयर से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी सो आई एम श्योर कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कर पाओगे कि जो इंडिविजुअल बिट्स से रिलेटेड जो भी आस्पेक्ट्स हैं वो सारे फिजिकल लेयर डील करता है सो आंसर फॉर दिस वुड बी फिजिकल लेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अज एक्टिंग एज अ रिसीवर नोट डेटा विल बी प्रोसेस फ्रॉम सो इसी का एक यू नो मॉडिफाइड वर्जन वी है डिस्कस्ड कि अगर सेंडर नोड की तरह वो काम कर रहा है तो डेटा जो है वो एप्लीकेशन से फिजिकल लेयर तक प्रोसेस होगा और अगर वो रिसीवर की तरह काम कर रहा है तो डेटा का uh, जो रिसीव होगा दैट विल बी रिसीव एट द फिजिकल लेयर और फिजिकल लेयर से इट इज गोइंग टू मूव अप टू द एप्लीकेशन लेयर सो आंसर फॉर दिस वुड बी फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशन लेयर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटा लिंक लेयर इंक्लूड सो डेटा लिंक लेयर का क्या क्या काम होता है फ्रेमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, होता है वो एरर कंट्रोल और मैकेनिजम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल एड्रेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑल ऑफ दिस सो एस आई मॉडल की जितनी भी लेयर्स हैं उसके क्या क्या टास्क हैं हर एक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको इस पर्टिकुलर यूनिट में अच्छे से कर लेनी है क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन दो काम होते हैं सेशन लेयर के इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा ठीक है मूविंग टू द नेक्स्ट वन लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सो लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग जो होता है दैट इज डन बाय नेटवर्क लेयर नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है कि उसे सबसे पहले तो ये इंश्योर करना है कि जब मैं दो अलग अलग नेटवर्क्स में कम्युनिकेट कर रही हूँ तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में मुझे कोई भी डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए तो लॉजिकल एड्रेसिंग करनी होती है नेटवर्क लेयर को और राउटिंग करनी होती है दैट मीन्स कि डेटा पैकेट कौन से रास्ते से रिसीवर नोड के पास जाएगा और वो रास्ता कैसे डिटरमाइन करना होता है सबसे शॉर्टेस्ट रूट हमें आइडेंटिफाई करना होता है और ये सारा काम कौन हैंडल करता है इट इज़ हैंडल्ड बाय द नेटवर्क लेयर सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटोकॉल यूज टू फाइंड द फिजिकल एड्रेस इफ द इंटरनेट एड्रेस इज नोन एज so answer for this will be arp that is address resolution protocol so address res uh, resolution protocol and reverse address resolution protocol should be known to you before answering this question moving to the next question protocol used to facilitate the simultaneous transmission of a message to a group of recipients is so these Two protocols are associated with finding the addresses. So, out of these, IgMP is responsible for transmission of a message when you want to send a message to a group of recipients. So, answer for this would be IgMP. Moving to the next one, the functionalities of a presentation layer include. So, presentation layer is the second layer of OSI model, or presentation layer may have डेटा की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब का ध्यान रखते हैं सो डेटा कंप्रेशन डेटा इंक्रिप्शन और डेटा डिस्क्रिप्शन ये तीनों ही टास्क जो होते हैं वो प्रेजेंटेशन लेयर के होते हैं सो आंसर फॉर दिस वुड बी ऑल ऑफ द मैंशनड मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और अ हब सो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें आप लोग नेटवर्क टोपोलॉजी को भी थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ोगे इन यूनिट टू में हम यूनिट टू में उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे सो आउट ऑफ द ऑल द टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी में हम लोगों के पास एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है और बाकी के सारे नोड्स उस स्टार टोपोलॉजी में उस सेंट्रल कंट्रोलर से कनेक्टेड होते हैं तो अगर इस नोड वन को नोट्स टू से कम्युनिकेट करना है तो वो इस कंट्रोलर के थ्रू करेगा सो स्टार टोपोलॉजी इज द टोपोलॉजी विच रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और अ हब मूविंग टू द नेक्स्ट वन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम बिटवीन टू सिटीज और कंट्रीज इज़ सो दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी वाइड एरिया नेटवर्क क्योंकि जोग्रफिकल एरिया जो है वो काफ़ी लार्ज है आप दो सिटीज़ के बीच में कम्युनिकेशन करना है या दो कंट्रीज के बीच में कम्युनिकेशन करना है सो so आपके जो नेटवर्क है उसका जो एक्सटेंट होगा जोग्रफिकल एक्सटेंट होगा दैट शुड बी वेरी लार्ज मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अनऑथोराइज यूजर इन अ नेटवर्क इज अ डैश इशू सो परफॉर्मेंस रिलेटेड आस्पेक्ट नहीं है ये रिलायबिलिटी एस्पेक्ट भी नहीं है सिक्योरिटी एस्पेक्ट होगा सो आंसर फॉर दिस वुड बी सिक्योरिटी कि अगर कोई भी अनऑथराइज यूजर आपके नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहा है तो दैट मीन्स आपके सिक्योरिटी में एक ब्रीच है ठीक है यू हैव नॉट इन श्योर्ड प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स फॉर योर नेटवर्क मूविंग टू द नेक्स्ट वन की एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आर सो प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस को गवर्न करते हैं और प्रोटोकॉल में सिंटेक्स इज देयर हर एक प्रोटोकॉल के साथ में एक सिंटैक्स एसोसिएटेड होता है सिमेंटिक्स आर देयर एंड टाइमिंग्स आर देयर सो प्रोटोकॉल के ये तीनों एलिमेंट्स होते हैं ऑल राइट सो आंसर फॉर दिस वुड बी ऑल ऑफ द अबव मूविंग टू द नेक्स्ट वन अ नोड कैन बी अ एज आई वॉज डिस्कसिंग कि जब भी हम नेटवर्क बनाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम डिवाइसिस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और ये डिवाइस जरूरी नहीं है कि सिस्टम्स ही होंगे कंप्यूटर्स ही होंगे ठीक है तो आपके नेटवर्क में प्रिंटर भी एक नोड हो सकता है ऑल राइट right? कंप्यूटर भी एक नोड हो सकता है तो नोड कोई भी डिवाइस हो सकती है ऑल राइट सो आंसर फॉर दिस वुड बी बोथ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लोएस्ट लेयर इन द ओस मॉडल इज अगेन लोएस्ट लेयर मीन्स सबसे लास्ट वाली जो लेयर होगी और लोएस्ट लेयर ओ मॉडल में होती है हमारी फिजिकल लेयर सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी फिजिकल लेयर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर एंड नेटवर्क रिकवरी टाइम आफ्टर अ फेलियर आर मेजर्स ऑफ द डैश ऑफ अ नेटवर्क यानी नेटवर्क की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हम इस पर्टिकुलर इससे मेजर कर सकते हैं और राइट सो आंसर फॉर दिस वुड बी रिलायबिलिटी अगर आपका कोई नेटवर्क बार बार फेल हो रहा है तो आप उस नेटवर्क पर रिलाये नहीं कर सकते हो क्योंकि उस नेटवर्क का जो फेलियर टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली फेल हो रहा है सो दिस इज गोइंग टू बी कंसर्न विद द रिलायबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क अगर कोई नेटवर्क रिलायबल है तो दैट मीन्स आप उस पर्टिकुलर नेटवर्क पर रिलाय करते हो कि वो नेटवर्क फेल नहीं होगा मूविंग टू द नेक्स्ट वन आई एस ओ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई अ डिवाइस यूनिकली इस्पेक्टिव ऑफ द अंडरलाइंग फिजिकल नेटवर्क इज नोन एज सो किसी भी डिवाइस को इंटरनेट पे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो एड्रेस यूज होता है दैट इज लॉजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेसिंग का काम नेटवर्क लेयर को हैंडल करना होता है मूविंग टू द नेक्स्ट वन द लेबल असाइंड टू अ प्रोसेस इज नोन एज सो किसी भी प्रोसेस को लेबलिंग करने के लिए हम उसे पोर्ट एड्रेस असाइन करते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट वन द एड्रेस विच कैन बी कंसिडर्ड एज यूजर फ्रेंडली एड्रेस इज सो स्पेसिफिक एड्रेस जो होता है वो एक यूजर फ्रेंडली एड्रेस होता है जैसे कि किसी का नाम होगा ऑल राइट जैसे हमारी जो मेल आई डीज होती हैं दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक एड्रेसेज सो वी आर गोइंग टू राइट वर्ड्स ठीक है so, uh, वहाँ पे हम स्पेसिफिक एड्रेस बोलेंगे उसको क्योंकि वो एक यूजर फ्रेंडली एड्रेस है ताकि हमें उसे याद रखने में आसानी हो मूविंग टू द नेक्स्ट वन द पोर्ट एड्रेस तो पोर्ट एड्रेस किसी भी प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है और वो सिक्सटीन बिट्स का होता है मूविंग टू द नेक्स्ट वन यूनिपोलर लाइन कोडिंग स्कीम द वे फॉर्म एग्जिस्ट ऑन डैश साइड ऑफ द टाइम एक्सेस सो यूनी पोलर का मतलब है कि टाइम एक्सेस की एक ही साइड पे वो वे फॉर्म उसकी एग्जिस्ट करेगी सो आंसर फॉर दिस वुड भी वन गोविंग टू द नेक्स्ट वन इन पोलर लाइन कोडिंग स्कीम द वे फॉर्म एग्जिस्ट ऑन डैश साइड ऑफ द टाइम एक्सेस सो पोलर लाइन कोडिंग में क्या होगा आपकी जो वे फॉर्म है वो टाइम एक्सेस के दोनों साइड पे एग्जिस्ट करती है सो आंसर फॉर दिस वुड भी ऑप्शन बी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डिवाइसेस आर इन अ नेटवर्क इफ अ प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद द प्रोसेस इन अदर डिवाइस तो अगर मेरी कोई भी डिवाइसिस एक नेटवर्क का पार्ट है तो वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगी दैट मीन्स वो एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकती हैं ठीक है तो इस पर्टर क्वेश्चन का आंसर होगा दिस ऑप्शन ए इन विच यू कैन कम्युनिकेट बिटवीन द टू नोट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेयर इन ओ एस आई मॉडल इज सो ओ एस आई मॉडल की जो सेवन लेयर्स है उनका जो ऑर्डर है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ठीक है सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर होती है हमारे पास फिर प्रेजेंटेशन लेयर होती है और फिर सेशन लेयर होती है सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन सी मूविंग टू द नेक्स्ट वन हर ऑफ़ इंटरनेट फॉलोज द सीक्वेंस सो इसके पहले मैंने टॉप मोस्ट हरारकी में कौन ऑक्यूपाई करता है वो क्वेश्चन डिस्कस किया था ठीक है तो हर में सबसे पहले आपके पास इंटरनेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा फिर आपके पास आता है नेशनल आई एस पी एंड देन वी हैव रीजनल आई एस पी सो आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए मूविंग टू द नेक्स्ट वन इन कॉन्टेक्स टू प्रोटोकॉल्स द मीनिंग ऑफ बिट्स इन द डेटा आर स्टडीड अंडर तो प्रोटोकॉल्स में तीन पार्ट्स होते हैं सिमेंटिक्स सिंटेक्स एंड टाइमिंग्स अब इस तीन तीनों पार्ट्स में से सिमेंटिक्स जो होता है वो डील करता है कि जो आप बिट्स यूज कर रहे हैं उसका क्या मीनिंग है राइट मूविंग टू द नेक्स्ट वन इन कॉन्टेक्स टू ओ एस आई मॉडल द इंटरमीडिएट नोड्स प्रोसेस द डेटा ओनली अप टू सो इंटरमीडिएट नोड का मतलब है सपोज मेरे पास एक नोड ए है और नोड बी है मुझे ए से बी डेटा भेजना है और बीच में एक नोड सी के थ्रू वो डेटा जाएगा ठीक है तो नोड सी मेरा यहाँ पे इंटरमीडिएट नोड है ऑल राइट right? तो वो नोड सी जो होगा वो सार सेवन लेयर्स पे डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा नोड सी सिर्फ नीचे की तीन लेयर्स तक ही डेटा को प्रोसेस करेगा सो आंसर फॉर दिस वुड बी थ्री लेयर्स मूविंग टू द नेक्स्ट वन द एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के हम कई क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं सो so, अगर आपको एक आई पी एड्रेस दिया हुआ है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस फाइंड करना है तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की हेल्प से हम वो कर सकते हैं सो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी मूविंग टू द नेक्स्ट वन यहां पे इन दिस यू आर आज टू मैच द फॉलोइंग ऑल राइट तो यहाँ पे लेयर्स आपके पास गिवन है और हर एक लेयर से एसोसिएटेड यहाँ पे प्रोटोकॉल्स गिवन है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है सबसे पहले एस को देखते हैं एस जो है वो एप्लीकेशन लेयर में यूज़ होता है बीजेपी बॉर्डर गेट वे प्रोटोकॉल वो नेटवर्क लेयर में यूज़ होता है फॉर राउटिंग टी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वो ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ होता है एंड ट्रिपल पी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद द डेटा लिंक लेयर, सो so, आप आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को होगा ऑप्शन ए तो आपको सभी लेयर्स के कौन कौन से प्रोटोकॉल एसोसिएटेड हैं वो भी याद रखने हैं मूविंग टू द नेक्स्ट वन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज पॉसिबल एग्जाम्पल ऑफ अ स्पेसिफिक एड्रेस सो स्पेसिफिक एड्रेस वो होते हैं जो यूजर फ्रेंडली होते हैं तो so, इन चारों ऑप्शन में से यू कैन सी सभी के सभी ये नंबर्स हैं और नंबर्स को याद रखना एज कम्पेयर टू दिस यूजर फ्रेंड्डली स्पेसिफिक एड्रेस इज मोर डिफिकल्ट नंबर हम याद नहीं रख पाएंगे इतना बड़ा नंबर ये जो बाइंड्री में लिखा हुआ है दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर सो स्पेसिफिक एड्रेसेज वो होते हैं जो यूजर फ्रेंडली होते हैं और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्पेसिफिक एड्रेस जो है वो है ऑप्शन सी ए बी सी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम मूविंग टू द नेक्स्ट वन इन कॉन्टेक्स टू ओ एस आई मॉडल प्रेजेंटेशन लेयर यूजेज द सर्विसेज ऑफ सो यूज द सर्विसेज ऑफ से मेरा क्या मतलब है कि प्रेजेंटेशन लेयर है मेरे पास ठीक है प्रेजेंटेशन लेयर कुछ टास्क परफॉर्म करेगा उसको एक डेटा चाहिए होगा जिसपे वो अपने सारे टास्क परफॉर्म करेगा अब वो डेटा उसे किससे लेना पड़ेगा वो डेटा वो फेच करेगा वो डेटा लेगा अपनी प्रीवियस लेयर से यानी कि एप्लीकेशन लेयर से सो so, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं ये बोल सकती हूँ कि प्रेजेंटेशन लेयर इज़ यूजिंग द सर्विसेज ऑफ़ एप्लीकेशन लेयर सो जब उसके ऊपर जो लेयर होगी उसकी सर्विसेज वो पर्टिकुलर लेयर यूज़ करेगा सो so, सातों लेयर में से जो भी टॉप वाले लेयर होंगी उनकी सर्विसेज नीचे वाले लेयर्स को यूज करते हैं ठीक है सो प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज यूज़ करता है मूविंग टू द नेक्स्ट वन सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क आर प्रोवाइडेड बाय सो नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन लेयर सो दैट ऑल अबाउट यूनिट वन एम सी क्यूज सो ये पूरा सब्जेक्ट जो है दैट इज़ यू नो कम्प्लीटली थेरेटिकल तो सारे क्वेश्चन जो है आई हेव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल द पॉसिबल क्वेश्चन विच आई थॉट दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द वीडियो अरवाइज़ इसके अलावा आप ओ एस आई मॉडल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूनिट वन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो आप ओ एस आई मॉडल की सभी लेयर्स के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अच्छे से कर लीजिएगा और किस ऑर्डर में डेटा प्रोसेस होता है वो भी अच्छे से आप कर लीजिएगा उसके अलावा लाइन कोडिंग और एड्रेसिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट वन के सो दैट्स ऑल अबाउट यूनिट वन एम सी क्यूज विल कंटिन्यू विद द एम सी क्यूज ऑफ यूनिट टू इन द कमिंग वीडियोज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो